हेलो दोस्तों, SBI में आप पुराने से पुराना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा इसका टेक्निक है। 10 से 15 साल पुराना या उससे भी पुराना आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले प्ले स्टोर में आपको योनो लाइट, ध्यान दीजिएगा योनो का बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपको योनो लाइट इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है योनो लाइट, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसको। बाकी किसी भी आप टेक्निक से करेंगे तो मैक्सिमम 3 साल का ही निकाल पाएंगे, लेकिन योनो लाइट से आप बहुत पुराना स्टेटमेंट, यहाँ तक कि जब से आपका अकाउंट खुला है तब का स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जल्दी से हम इसको ओपन करते हैं योनो लाइट SBI को। तो इसको मैं पहले से रजिस्टर कर रखा हूँ, आपका ID पासवर्ड वही रहेगा जो आपका ऑनलाइन SBI में रहता है। तो करना हाँ, तो देखिए यहाँ से हम जल्दी इसको खोलते हैं और देखिए कौन से ऑप्शन में जाना है। ये खुलते ही आपको व्यू डाउनलोड स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे जो आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद ये ऑप्शन देगा ड्यूरेशन का। तो देखिए यहाँ पे 2024 है, वीडियो में बना रहा हूँ तो 2 अक्टूबर का डेट है। तो हम इसको ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए 2011। चलिए 2011 का हम ट्राई करते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, 150 ट्रांजेक्शन या फिर 6 महीने का मैक्सिमम एक बार में आप निकाल सकते हैं। तो पुराना स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको पार्ट पार्ट निकालना पड़ेगा 6-6 महीने के स्लॉट में। तो देखिए हम स्टार्टिंग सेलेक्ट कर लिए 2011 सितंबर में, और इसका इंड ड्यूरेशन हम कर लेते हैं 2011 दिसंबर, देखिए 31 दिसंबर। अब इसको नीचे डाउनलोड में क्लिक करेंगे, 1 अगस्त 2011 से 31 दिसंबर 2011। तो देखिए PDF डाउनलोड हुआ है, और PDF डाउनलोड होते ही ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। और PDF खुलने के बाद उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन रहता है, तो ये पासवर्ड आपका रहेगा आपका अकाउंट नंबर, SBI का अकाउंट नंबर डाल के आपको इसको ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपका PDF आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो SBI में ये फैसिलिटी बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मैक्सिमम 3 साल का ही निकालने देते हैं। आप नॉर्मल योनो में भी देखेंगे या फिर वेबसाइट से ही देखेंगे तो यहाँ देखिए 2011 का ये स्टेटमेंट हमारे सामने आ गया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।